उधर यूपी के सहारनपुर में कल शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव फैला हुआ है। हालांकि प्रशासन का यह दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पूरे मामले में बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर FIR दर्ज हुई है। सहारनपुर में जिस तरीके का बवाल हुआ है कि गांव का मामला था, गांव के अंदर शोभा यात्रा निकलनी थी, लेकिन बाहर के जो लोग हैं सहारनपुर नगर जो है, तो सहारनपुर से बड़ी तादाद में लोग जो बताए जा रहे हैं कि वो शोभा यात्रा में शामिल हुए और बिना परमिशन के जब अंबेडकर शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी तो उसका विरोध किया दूसरे पक्ष ने, और इसी को लेकर जो गांव है सड़क दुधली सहारनपुर का, यहां पर जमकर आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। जी हां, आप ये नेम प्लेट देख सकते हैं, ये एक IPS अधिकारी की है और IPS अधिकारी का नाम है लव कुमार, जो कि सहारनपुर के SSP हैं। और SSP जिस वक्त गांव में सड़क दूधली में ये हंगामा हो रहा था, पूरा दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, उस वक्त भी मौके पर ही मौजूद थे। बाद में एक पक्ष SSP के पास आता है और SSP के घर पर इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। क्या बाबा साहेब की यात्रा निकालने पर अगर मेरे घर से आगे से निकले तो क्या मैं पथराव करूंगा? क्या आप पथराव करेंगे? नहीं, लेकिन परमिशन नहीं थी ना। क्या किसी को पथराव करना चाहिए? उनकी यात्रा पर पथराव करना, ये है इशू, और कुछ है ही नहीं। पथराव काहे को किया? कोई धार्मिक यात्रा थोड़ी ना थी, किस लिए किया? वहां पर हम लोग समय से पहुंच गए और सारी चीजें थी, मौजूदगी थी, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना होने से बच गई, क्योंकि चीजें और खराब भी हो सकती थी। लेकिन इस समय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पर्याप्त सुरक्षा बल हमारे पास मौजूद है और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सहारनपुर में हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है, हालांकि हालात नियंत्रण में है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।